दोस्तों फाइनली आईपीएल 2025 का प्लेयर रिटेंशन ऑफिशियली खत्म हो चुका है और आईपीएल 2025 के प्लेयर रिटेंशन के खत्म होते ही सभी 10 टीमों के रिटेन और रिलीज प्लेयर का ऑफिशियल लिस्ट सामने आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2025 के लिए सभी टीमों के रिटेन्ड प्लेयर का ऑफिशियल लिस्ट बताएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का डेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सभी 10 आईपीएल टीमों के रिटेन्ड प्लेयर का ऑफिशियल लिस्ट आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग लखनऊ सुपर जायंट के रिटेंशन के साथ। तो लखनऊ सुपर जायंट ने सबसे पहले निकोलस पूरन को 21 करोड़ में रिटेन किया, उसके बाद रवि बिश्नोई को 11 करोड़ में रिटेन किया और उसके बाद मयंक यादव को भी 11 करोड़ में ही रिटेन किया गया। इसके साथ ही मोहसिन खान को 4 करोड़ में और आयुष बदोनी को 4 करोड़ में। तो लखनऊ सुपर जायंट का आईपीएल 2025 का रिटेंशन इसी प्रकार से ऑफिशियली देखने को मिल चुका है। इसके बाद अगली टीम सनराइजर्स हैदराबाद की और एसआरएच की टीम ने सबसे पहले 18 करोड़ में कप्तान पैट कमिंस को रिटेन किया, उसके बाद इस टीम ने 14 करोड़ में अभिषेक शर्मा को रिटेन किया, इसके बाद 6 करोड़ में नीतीश कुमार रेड्डी को रिटेन किया गया और उसके बाद 23 करोड़ में हेनरिक क्लासेन को रिटेन किया गया और इसके साथ ही ट्रेविस हेड को भी 14 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन कर लिया। इसके बाद अगली टीम पंजाब किंग्स की है। पंजाब के रिटेंशन के बारे में बात करें तो 5.5 करोड़ में इन्होंने शशांक सिंह को रिटेन किया और इसके बाद 4 करोड़ में प्रभ सिमरन सिंह को पंजाब किंग्स की टीम ने अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन कर लिया। इसके बाद अगली टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की और कोलकाता नाइट राइडर्स के रिटेंशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले इन्होंने रिंकू सिंह को 13 करोड़ में रिटेन किया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ में रिटेन किया गया, इसके साथ ही सुनील नारायण को भी 12 करोड़ में रिटेन किया गया, इसके बाद आंद्रे रसेल को 12 करोड़ में, हर्षित राणा को सिर्फ 4 करोड़ में और रमनदीप सिंह को 4 करोड़ में। तो कुल मिलाकर के कोलकाता नाइट राइडर्स का रिटेंशन इसी प्रकार से देखने को मिल चुका है। इसके बाद अगली टीम दिल्ली कैपिटल्स की और दिल्ली कैपिटल्स के रिटेंशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले इन्होंने 16.5 करोड़ रुपया में अक्षर पटेल को रिटेन किया और उसके बाद 13.25 करोड़ में कुलदीप यादव को दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया, इसके साथ ही 10 करोड़ में ट्रिस्टन स्टब्स को रिटेन किया और 4 करोड़ में अभिषेक पोरेल को रिटेन किया। तो दिल्ली कैपिटल्स का रिटेंशन आईपीएल 2025 में ऑफिशियली इसी प्रकार से देखने को मिला है। अब बात करेंगे अगली टीम के बारे में, तो ये टीम है मुंबई इंडियंस की और मुंबई इंडियंस के रिटेंशन के बारे में बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को सबसे ज्यादा रुपया यानी कि 18 करोड़ देकर के रिटेन किया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को इन्होंने 16.35 करोड़ में रिटेन किया, इसके बाद हार्दिक पांड्या जो कि इनके कप्तान है आगे भी कंटिन्यू करेंगे उनको 16.35 करोड़ में मुंबई इंडियंस की टीम ने वापस से रिटेन किया और उसके बाद अगले प्लेयर हैं इस टीम के पूर्व कप्तान और 5 बार के चैंपियन रोहित शर्मा जिनको 16.30 करोड़ में मुंबई इंडियंस की टीम ने वापस से अपने स्क्वाड में रिटेन किया है और इसके साथ ही अंतिम प्लेयर है तिलक वर्मा जिनको 8 करोड़ की रकम में यहाँ पे रिटेन किया है मुंबई इंडियंस की टीम ने। अब बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, तो सीएसके का रिटेंशन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इन्होंने 18 करोड़ में ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन कर लिया और उसके बाद यॉर्कर किंग मथीसा पथिराना को 13 करोड़ में रिटेन किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, इसके साथ ही 12 करोड़ में इस टीम ने ऑलराउंडर शिवम दुबे जो कि पिंच हिटिंग बैट्समैन है उनको भी रिटेन किया, इसके साथ ही 18 करोड़ रुपया में इन्होंने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को रिटेन किया और उसके बाद 4 करोड़ में इन्होंने अपने सबसे बड़े प्लेयर एमएस धोनी को एज अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर लिया। तो एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स का पैसा बहुत हद तक बचा दिया। और इसके बाद अगली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। आरसीबी का रिटेंशन काफी शॉकिंग है, किसी भी फॉरेन प्लेयर को आरसीबी ने अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन नहीं किया। तो आइए देखते हैं आरसीबी के रिटेंशन को। तो इन्होंने 21 करोड़ में सबसे बड़े प्लेयर आईपीएल के विराट कोहली को रिटेन किया, 21 करोड़ रुपया उन्होंने विराट कोहली को पे किया है और इसके बाद रजत पाटीदार
दावेदार को 11 करोड़ में रिटेन किया गया है यहाँ पे आरसीबी के द्वारा, और एट द एंड 5 करोड़ में यश दयाल को आरसीबी की टीम ने वापस से अपने स्क्वाड में रिटेन किया। तो आप आरसीबी के रिटेंशन से कितना खुश है आप अपनी राय कमेंट में बताएं। वहीं से लिस्ट की अगली बड़ी टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम, और राजस्थान रॉयल्स के रिटेंशन के बारे में बात करें तो इन्होंने 18 करोड़ रुपया देकर के अपने कैप्टन संजू सैमसन को रिटेन किया, और उसके बाद एक बार फिर से 18 करोड़ देकर के यशस्वी जायसवाल को भी रिटेन किया। इसके साथ ही 14 करोड़ में रियान पराग राजस्थान रॉयल्स में रिटेन हो चुके हैं, और 14 करोड़ जैसा बड़ा रकम देकर के इन्होंने ध्रुव जुरेल को रिटेन किया। इसके साथ ही सिमरन हेटमायर को 11 करोड़ के रकम में रिटेन किया गया, और संदीप शर्मा को एज एन कैप्ड प्लेयर सिर्फ 4 करोड़ के रकम में राजस्थान की टीम वापस से अपने स्क्वाड में लेने में सफल रही। और इस लिस्ट की अंतिम टीम है यहाँ पे गुजरात टाइटंस की टीम, और गुजरात टाइटंस के रिटेंशन के बारे में बात करें तो गुजरात टाइटंस का रिटेंशन कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पे गुजरात की टीम ने सबसे पहले अपने स्क्वाड में जिस प्लेयर को रिटेन किया उनका नाम है राशिद खान, उनको 18 करोड़ में रिटेन किया गया, और इसके बाद 16.5 करोड़ में शुभमन गिल को रिटेन किया गया, इसके साथ ही 8.5 करोड़ में साई सुदर्शन को, इसके बाद 4 करोड़ में राहुल तेवटिया को, और 4 करोड़ में शाहरुख खान को गुजरात की टीम ने अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन किया। तो ये था सभी 10 टीमों का ऑफिशियल रिटेंशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।